नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं बसंत आज आपके सामने 8th समरी को लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज तारीख 24 दिसंबर 2022। आज की क्लास जो चली है वो टोटल दो क्लासेस चली हैं, उन दोनों की समरी बिल्कुल ब्रीफ में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे MSH 413, जो कि इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पेपर है, उसके विषय में बात करेंगे। तो आशुतोष सर, चूंकि आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छे से स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस पढ़ा दिया है, टोटल 4 स्कूल्स होते हैं जिनमें आते हैं कॉलोनियल, जिनको इंपीरियलिस्ट भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट होते हैं और लास्ट में आते हैं सबाल्टर्निस्ट। मार्क्सिस्ट अप्रोच के टोटल 2 राइटर्स के विषय में हमें पढ़ना था। पहले थे आरपी दत्त और दूसरे थे एआर देसाई। आरपी दत्त के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करेंगे एआर देसाई के ऊपर कि उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को कितने फेजेस में बांटा है और किस तरह से उन्होंने पूरे नेशनलिज्म को एक अलग वे में देखने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे हम यहीं से। टोटल मैं बता दूं, एआर देसाई, जिनका नाम, पूरा नाम अगर हम बात करें तो अक्षय रमनलाल देसाई है, और उन्होंने टोटल जो नेशनलिज्म है उसको 5 फेजेस में बांटने का प्रयास किया है। सबसे पहला फेज वो मानते हैं 1835 से लेकर के 1885 तक का। 1835 क्यों? वो कहते हैं कि जैसे ही मैकॉले मिनट्स आता है उसके बाद से लोग कुछ एजुकेटेड होते हैं, चूंकि फिल्ट्रेशन थ्योरी ऐसी लाई जाती है मैकॉले के द्वारा। वो कहते हैं कि एलीट क्लास, जो ऊपर का क्लास रहेगा, उनको, इंडियंस में से कुछ इंडियंस को जो ऊपर के वर्ग के हैं उनको हम पढ़ाएंगे, और उनके माध्यम से बढ़ते बढ़ते जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंग्लिश वाला, जो कहता है कि अंग्रेजी, मतलब इंडियन भारतीयों की सूरत में अंग्रेज हम बनाएंगे, वो जो है अंतिम में आम वर्ग तक पहुंचेगा। तो 1835 में यही सिलसिला शुरू होता है, और शुरुआत में जो फर्स्ट फेज मानते हैं वो उन्हीं एलिट क्लास के द्वारा ही मानते हैं कि नेशनलिज्म फैला है, जिन्होंने ये एजुकेशन को ग्रहण किया है। तो ये जो एजुकेशनिस्ट थे, जो इन्होंने, मतलब इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जो शुरुआत में बने, इन्होंने क्या किया कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए, जैसे राजा राम मोहन राय हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ लोग जैसे दादा भाई नरोजी को हम ले सकते हैं, कुछ ऐसे लोग थे, केशव चंद्र सेन थे। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नेशनलिज्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? कि उन्होंने सोचा कि देखो, अंग्रेजों का जो हम पर शासन करने का है, वो पहला तर्क क्या है कि बाबू तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, हम सिविलाइज्ड बनाएंगे को। देखो तुम लोग सती प्रथा करते हो यार, तुम लोग औरतों को सीधा जिंदा जला देते हो, बाल विवाह करते हो। तो ये जब जो हमारे एलीट क्लास थी उस समय की, उन्होंने कहा भाई बात तो सही है यार, ये तो गड़बड़ी तो है हम लोगों में, तो क्यों ना हम खुद ही इसको सुधारने का प्रयास करें। तो उन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए। तो इस तरह से एक पहला जो हमारा नेशनलिज्म का फेज था वो 1885 तक रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के बाद कुछ ऐसे लिबरल्स आते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जो पूंजी के रूप में तो बहुत अच्छी खासी, मतलब बिजनेस ट्रेड करते हैं, लेकिन वो दिल से भारतीय होते हैं, वो चलते हैं तो लाइक कि जो लिबरल्स रहते हैं कांग्रेस के, जो शुरुआत में फाउंडर्स रहते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो एक दूसरा फेज आता है जिसमें कुछ एक नए लेवल पे ये आपके मूवमेंट जो है नेशनलिज्म है वो जाने का शुरू होता है। ये चलता है 1905 तक। 1905 में होता है आपके बंगाल विभाजन, और साथ में कांग्रेस का भी विभाजन 1906 में हो जाता है, जो कि नरम दल और गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ जाता है। तो 1905 से और 1918 तक एक ऐसा फेज है जो एक्सट्रीमिस्ट का फेज है। यहां पर मौका मिलता है एक्सट्रीमिस्ट को, या आम जन को कह सकते हैं, कि एक मुख्य धारा में कांग्रेस को न देखने का, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज को लीड करें अपने तरीके से। तो यहां से एक थर्ड फेज आता है, और ये जो नेशनलिज्म है वो लोअर मिडिल क्लास तक चला जाता है, ऐसा कहते हैं अक्षय भाई यानी एआर देसाई। तो ये चीज इंडस्ट्रियल क्लास के ऊपर और ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। लिबरल्स का जो स्थान था जो सेकंड फेज में था, वहां से ये उठ करके एक्सट्रीमिस्ट के पास आ जाता है, और लोअर मिडिल क्लास में भी अब जो है नेशनलिज्म जा चुका है। अब आता है 1918 से 1934 का फेज, जो कि है हमारा 1918 से 1934 का फेज जो है वो शुरू होता है, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तक थर्ड फेज में आ चुका है। अब क्या शुरू होगा कि एक जो वादा रहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का कि भाई साहब हम तुमको आजाद कर देंगे, ये सारी चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं लोगों को,
और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि आरएसएस की बात कर सकते हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर सकते हैं, या स्वदेशी पार्टी की बात कर सकते हैं। ये सारी पार्टीज ऐसी आती हैं जो लोअर मिडिल क्लास से उठा करके नेशनलिज्म को एक वर्किंग क्लास और साथ साथ में पीजेंट्स यानी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से जो फोर्थ फेज था वहां पर नेशनलिज्म को एक ब्रॉडर सेंस मिलता है और लगभग जो आम जन था वो प्रभावित हो जाता है 1934 आते आते, और जो नेशनलिज्म है वो हर तबके तक पहुंच चुका है, ऐसा एआर देसाई का मानना है। और इसमें क्या होता है कि मासेस का इंक्लूजन होता है लोअर मिडिल क्लास से उठ करके। नेक्स्ट फिफ्थ फेज जो आता है वो हमारा माना है 1934 से लेकर के 1939 तक, ये एआर देसाई का मानना है। और इसमें वो कहते हैं कि वेरियस ग्रुप्स बन जाते हैं फिर से, और साथ में गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उससे लोगों का विश्वास भंग होता हुआ दिखता है, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे गुट बन जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा दिखता है कि लोगों का विश्वास जो है वो कांग्रेस से भंग हो रहा है। तो कुल मिला जुला करके इस तरह से पांच जो है वो फेजेस बनते हैं 1835 से लेकर 1939 तक एआर देसाई के द्वारा। तो ये टोटल जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी थी आज के क्लास में, यानी 24 दिसंबर के क्लास में आज ये हमें पढ़ाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड क्लास चली है प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री की, उसमें गंगाधरन सर ने बहुत छोटी मोटी बातें जो महत्वपूर्ण थी उसके विषय में बताया, और वो बात थी मार्क ब्लॉक के विषय में। उन्होंने बोला कि द हिस्टोरियंस क्राफ्ट एक ऐसी बुक है जिसके विषय में पढ़ने से पहले, या फिर अगर आप मास्टर्स में गए हैं तो उससे पहले आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा कि वो किस तरह से लिखी गई थी, उसके पीछे का इतिहास क्या था, उसको लिखने का प्रयास कैसे किया गया था। तो मार्क ब्लॉक ने इस बुक को जेल में लिखा था, यानी कोई भी बुक उनके पास नहीं थी पढ़ने के लिए, वो जितनी भी चीजें हैं वो उनकी इमेजिनेशन है और अपने तौर पे वो क्या कहना चाहते हैं लोगों से उसको उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। दूसरी चीज कि मार्क ब्लॉक जो है उन्होंने एज अ हिस्टोरियन, उनको यहूदी होने की वजह से उनको गोली भी मार दी गई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो सर ने मोटा मोटी एक चीज मतलब बताने का प्रयास किया कि एज अ हिस्टोरियन इतिहास को समायोजित करने का जो जिम्मेवारी है वो हम लोगों यानी आप लोगों पर भी है, तो ऐसा भी प्रयास कीजिए, इस दृष्टि से भी देखने का प्रयास करिए। साथ में जो मैंने जो पढ़ा वो चीज मैं बताऊं कि ईएच कार की जो बुक है उस पर थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये बुक काफी अच्छी है, आप लोग इसको देखिए पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हिस्ट्री क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होता है, इन चीजों को समझिए और ज्यादा अच्छे से इतिहास का आनंद उठाइए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ मैं बसंत लेता हूं अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, एक प्रश्न का जवाब भी देते जाइएगा, और वो ये है कि जैसे जैसे एआर देसाई ये ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन की बढ़ती हुई है यानी एजुकेशन बढ़ा है उसके साथ ही नेशनलिज्म का प्रभाव भी बढ़ा है, तो क्या आप इस बात को सत्य मानते हैं? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, और अगर नहीं मानते तो नो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, साथ में अपने तर्क भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोरोना बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखिए, और साथ में छुट्टी के बाद अब अगले साल में मिलेंगे हम सभी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।